अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समी, आप देख रहे हैं एसएन किंग टेक। और इस वीडियो में हमारे पास गूगल के दो सेकंड हैंड फ़ोन्स मौजूद हैं किट में, जिसमें गूगल पिक्सल 5 और गूगल पिक्सल 4 है। और इस वीडियो में इनके कुछ मेन स्पेक्स और कैमरा फीचर भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पिक्सल 5 की। और डिस्प्ले इसमें आपको 6 इंचेस का मिलता है, तो ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन है। और ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। और इस पंच होल में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैक पर डुअल कैमरा है जिसमें 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर लगाया गया है। बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और इसकी बैक पर आपको ये मैट फिनिश मिलती है, तो यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। बैटरी इसमें आपको तकरीबन 4000 mAh की मिलती है और ये 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और स्नैपड्रैगन 765G का इसमें आपको चिपसेट मिलता है, जबकि इसके पिछली सीरीज़ में आपको स्नैपड्रैगन की 800 सीरीज़ के चिपसेट मिलते थे। लेकिन ये एक 5G चिपसेट है और अभी जो इसकी प्राइस रेंज है उसके हिसाब से ये काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। और ये गूगल का फ़ोन है तो इसमें आपको SD कार्ड की ऑप्शन नहीं मिलती है और यहाँ पर आप सिंगल सिम या eSIM इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज दी गई है, तो ज़्यादातर लोगों को इसमें SD कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे इसके कुछ मेन स्पेक्स। और अब अगर हम देखें इसके कैमरा फीचर्स को, तो सभी गूगल फ़ोन्स की तरह यहाँ पर भी आपको सभी बेसिक फ़ीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें नाइट साइड और स्लोमो वगैरह के ऑप्शन मौजूद है। और अब अगर हम देखें इसकी वीडियो की रिकॉर्ड सेटिंग को, तो इसके बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और इसके अलावा वाइड एंगल मोड में भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा से भी आपको स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन मिल जाती है। और अब अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो अभी आपको यूज़ में PTA पैच अप्रूव 33,000 का मिल जाएगा। और ये किट फ़ोन है तो इसके साथ आपको कोई भी एक्सेसरीज देखने को नहीं मिलेंगी। और अब हम बात करेंगे पिक्सल 4 की। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये 6GB 64GB वाला है। इसका एक 6GB 128GB वाला वेरिएंट भी आता है। डिस्प्ले इसमें आपको 5.7 इंचेस का मिल रहा है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। और ये एक OLED डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। बैक पे डुअल कैमरा है जिसमें 12+16 मेगापिक्सल के दो सेंसर लगाए गए हैं, जिसमें एक मेन कैमरा है और एक टेलीफोटो लेंस है जिसमें आप 2x तक ऑप्टिकल जूम भी कर सकते हैं। फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन 855 का काफ़ी पावरफुल चिपसेट लगाया गया है इसमें। 2800 mAh की बैटरी है और ये 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और टाइप सी का कनेक्टर भी मौजूद है इसमें। सिम सिचुएशन की अगर बात करें तो सिंगल सिम आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और eSIM की सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसमें फेस अनलॉक और टच ID भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ मेन स्पेक्स। अब बारी है इसकी कैमरा ऐप को ओपन करने की और इसकी कैमरा क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं। और इसकी कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कलर्स की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको फोटो, वीडियो और मोर की ऑप्शन दी गई है। और यहाँ पे स्लोमो, टाइम लैप्स और पैनो की ऑप्शन मौजूद है। और इसके अलावा पोर्ट्रेट और नाइट मोड की ऑप्शन दी गई है। अब अगर बात की जाए इसकी प्राइस और बाकी चीज़ों की, और प्राइसिंग के हवाले से, अभी आपको PTA पैच अप्रूव 28,000 का मिलेगा इस कंडीशन में। तो अभी भी कैमरा और गेमिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है और अभी भी लोग ज़्यादातर इन्हें कैमरा के लिए खरीद रहे होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप का एड्रेस मौजूद है, आप वहाँ जाकर इनसे ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।